लिए तो ये बहुत ही प्राउड वाला मोमेंट था। इसको हम देसी स्ट्रॉबेरी भी कह ही सकते हैं। ये किताब तो खैर कभी कभी हम लोग सेकंड हैंड भी लिया करते थे। ऐसे फ्रेंड है जो रिटायर हो चुके हैं, चल रहा है साफ सफाई, झाड़ू पोछा सब कुछ। खिचड़ी लिया है दावत में खाने के लिए। इतना पुराने अजीज दोस्त मिल जाते हैं। ऐसी कौन सी जगह है जहां मुझे उनको बेबी वापस करना पड़ा। समारा आज पहली बार किसी ड्राइंग कंपटीशन में पार्ट ले रही है। मेरे लिए तो ये बहुत ही प्राउड वाला मोमेंट था। यूनिट में ये ड्राइंग कंपटीशन रखी गई थी, ये था उसका ड्राइंग, बहुत ही प्यारा। थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हुई है बट बहुत प्यारा बनाया। सहतूत लगे थे एक पेड़ में, तो रास्ते में रुक के मैंने बहुत सारा सहतूत तोड़ लिया। इसको हम देसी स्ट्रॉबेरी भी कह ही सकते हैं। सो आज जब हम बाहर गए थे तो हमने समारा के सारे जो नए बुक्स और कॉपीज थे वो भी कलेक्ट कर लिए। आई नो आज का ब्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट आपको लग रहा होगा, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे। एज अ हाउस वाइफ एंड अ कॉन्टेंट क्रिएटर मैं कोशिश करती हूँ ना, मेरे लाइफ में जो भी चल रहा हो ना, अच्छी मोमेंट या बुरी मोमेंट, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है, खुली किताब है। मेरे ब्लॉग के थ्रू आप मेरे लाइफ के बारे में जान सकते हैं। नए कॉपी किताब किसको नहीं पसंद आते हैं। मैं तो जब भी घर में नए कॉपीज़ एंड किताब आते हैं ना, समारा जब नए क्लास में जाती है, तो कहीं ना कहीं मैं भी ना अपने बचपन वाले डेज़ में चली जाती हूँ, जब पापा नए कॉपीज़ लाया करते थे। किताब तो खैर कभी कभी हम लोग सेकेंड हैंड भी लिया करते थे, क्योंकि दो दो बहनें थी हम लोग, तो नए बुक्स बहुत ही कम मिला करते थे मेरे को। यूजली पुराने बुक्स ही हम लोग लिया करते थे, लेकिन समारा के लिए हमेशा न्यू बुक्स आते हैं। तो वो जो खुशी है ना एंड नए बुक्स की जो महक है, वो मतलब मैं बता नहीं पाऊंगी फ्रेंड्स। बिल्कुल बचपन वाले डेज में मैं वापस चली जाती हूँ। समारा के कॉपीज में नेम वगैरह लिखने के बाद आज मैं ग्रैंड पार्टी यानी कि कोर्ट डे की तैयारी कर रही हूँ, जो कि आज रात को ही है। बहुत से ऐसे फ्रेंड हैं जो रिटायर हो चुके हैं एंड बहुत से ऐसे फ्रेंड हैं जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुझसे कि यूनिट का कोई प्रोग्राम मैं उनके साथ शेयर करूँ। तो आज के ब्लॉग के थ्रू ना आपकी ये रिक्वेस्ट भी पूरी होने वाली है। आज मैं यही सूट पहनने वाली हूँ। पहले मैंने डिसाइड किया था साड़ी पहनूंगी, लेकिन तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मैं सूट ही पहन रही हूँ। तो देखिए, संजू के बर्थडे में जितने भी बर्तन वगैरह निकले थे ना, उन सभी का वक्त हो गया है अपने घर में वापस जाने का। यहाँ मैं इनको थोड़ा सा साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि देखिए कांसे का जो भी बर्तन है ना, धोने के बाद उसको अगर आप साफ़ नहीं करेंगे ना, तो उसमें दाग बैठ जाएगा। तो एक एक करके सारे जो भी बर्तन है ना, वो मैं साफ़ कर ले रही हूँ। वेल, सारे जो बर्तन थे वो तो मैंने अच्छे से ट्रंक में डाल दिया, और ट्रंक को देख के डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इसको फिर से रीऑर्गेनाइजेशन की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, ऊपर क्वार्टर दिया गया था ना, तो ये ट्रंक हम लोग ऊपर नहीं ला पा रहे थे। सारे जो बर्तन थे वो नीचे हमने उतार लिए थे, खाली ट्रंक सिर्फ ऊपर आया था। फिर जिसको जो हाथ में आया इस ट्रंक में, बस ऐसे ही रख दिया। कल संजू के बर्थडे में जितना भी हमने खाना वाना बनाया था ना, वो मैक्सिमम चीज़ बच गया है। तो आज मैं हूँ खाना बनाने से बिल्कुल फ्री, क्योंकि देखिए रात को भी ना केक कटिंग के बाद हमने केएफसी से थोड़ा बहुत कुछ मंगा लिया था चटर पटर, तो वही खा के ना बस डिनर करने का और मन नहीं किया। तबीयत पहले से मेरी और थोड़ी सी बेटर लग रही है। इतना चटर पुटर खाने के बाद भी मैंने सोचा नहीं था कि मेरा पेट मेरा साथ देगा, लेकिन अभी तक मैं ठीक हूँ। तो देखिए, साइड बाय साइड ना घर का जो डेली का काम है ना, वो भी चल रहा है, साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा सब कुछ।
और इसके बाद क्योंकि टेंशन था नहीं खाना बनाने का, तो हाथ में कुछ और टाइम रह गया, तो मैंने सोचा आज क्यों ना बाहर ही जब जाना है तो थोड़ा सा ना सेल्फ केयर भी कर लूँ। सेल्फ केयर के नाम पे बहुत लंबा चौड़ा रूटीन फॉलो करने का ना मेरा समय है और ना ही मुझे अच्छा लगता है। बहुत ही बेसिक सा सेल्फ केयर मैं करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे अलग अलग टाइप के फेस मास्क लगाना, फेस पैक लगाना। तो देखिए इस बार कैंटीन जब गई थी ना, तो ये VLCC का मुल्तानी मिट्टी वाला जो फेस पैक है वो लेकर आई थी। इसको लगाने के बाद ना आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट का इंतज़ार करना पड़ता है जस्ट इसको ड्राई होने के लिए। सो मेरे हाथ में अभी भी 10 मिनट 15 मिनट है, तो कुछ पड़े हुए बर्तन हैं सुबह के, वो मैं साफ़ करूँगी। एंड इसीलिए ना फेस पैक एंड मास्क लगाना मेरे फेवरेट स्किन केयर रूटीन में से एक है। नहाने के बाद मैंने सबसे पहले तो राइस बनाया, और अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना ब्रोकली सॉटे कर ले रही हूँ। यहाँ चिकन भी ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने दूध बिठा रखा है क्योंकि ये जो खीर बनाया था ना इसमें मुझे इसको डालना है। लंच हमारा आज का यही था, और अभी ना शाम के लिए बिल्कुल मैं तैयार हो गई हूँ। कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ टिफ़िन ले लिया मैंने, खिचड़ी लिया है दावत में खाने के लिए। खिचड़ी बनाकर बैग में भर तो लिया है, लेकिन वहाँ जाकर मैं इसको खा पाऊँगी कि नहीं वो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखकर ही पता चल रहा है कि खाना बहुत ही टेस्टी होने वाला है। खाने का जो भी तैयारी है ना वो टेंट के बिल्कुल बाहर है। एंड देखिए ये था यहाँ के कोडे का सेटअप। मैंने इस टाइप की तैयारी ना किसी भी यूनिट में नहीं देखी। एंड पार्टी का मज़ा तो तब आता है जब अचानक से ना पुराने अजीज दोस्त मिल जाते हैं। तो ये जो दीदी है ना ये मेरे साथ गुवाहाटी में थी, एंड एक बार फिर हम लोग यहाँ पर आके मिले। यूनिट के बंदे एंड बच्चों के प्रोग्राम तो रहते ही हैं, प्लस बाहर से भी लोग बुलाए गए हैं यहाँ पर प्रोग्राम करने के लिए। पहली बार किसी प्रोग्राम में मैंने देखा है ड्रोन कैमरा यूज़ किया जा रहा है प्रोग्राम को शूट करने के लिए। कि ऐसी कौन सी जगह है जहां हम जाते तो इंग्लिश में हैं लेकिन लौट करके हिंदी में आते हैं, जिसको पता है वो हैंड रेज करिए। सर क्या बात है, एकदम सर के लिए जोरदार तालियां, बड़े प्यारे लग रहे हो। मुझे लग रहा है मैम ने सजाया है आपको अपने हाथों से। क्या बात है सर, बहुत शुक्रिया। नहीं प्रोग्राम जो है वो साइड बाय साइड एक एक करके ना परफॉर्म किए जा रहे हैं, लेकिन आपको ना खाली नहीं बैठने दिया जाएगा। एक एक करके ना यहाँ पर रिफ्रेशमेंट आपको मिलता रहेगा। तो देखिए समायरा को तो मिल गया, अभी एक एक करके ना जूस से शुरुआत हुई है, लेकिन इसके बाद पकौड़े बादाम वगैरह सब कुछ सर्व किए जाएंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो कि शाम का सितारा हो चुका है, पटाखे यहाँ बंद कर सकते हैं, फायरवर्क्स देख सकते हैं आप। वेल गाना बजाना एंड पटाखों के साथ आज के जो चीफ गेस्ट है उनका स्वागत किया जा रहा है। सामने डिलीशियस पकौड़ों को देख के ना बैग में पड़ा हुआ खिचड़ी बोल रहा है कि देखो बनाकर लाए हो तो खाना भी पड़ेगा, ये पकौड़े खाने से नहीं चलेगा, तुमको तुम्हारे पेट का ध्यान रखना है। मुझे नहीं लगता है कि आज मैं बैग से खिचड़ी निकाल के यहाँ पर खा पाऊंगी। वेल यहाँ पर हो चुका है प्रोग्राम का श्री गणेश, गणेश जी के गानों के साथ।
अरे खुदा ने जिंदगी दी है तो किस बात का गम है, और तालियां वो लोग बजाओ जिनके हाथों में गम है। इसके बाद यूनिट के प्यारे प्यारे छोटे बच्चों ने ना एक डांस परफॉर्मेंस प्रेजेंट किया। जूबी डूबी गाने पे इन्होंने परफॉर्म किया था, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा इसलिए मैं गाना वगैरह आपको सुना नहीं पा रही हूँ। देखिए समायरा अपने साथ किसको पकड़ के लाई है। ये क्यूट सा बेबी हमारे पीछे वाले रो में था तो बहुत ही प्यारा था। मैंने बहुत कोशिश किया इसको बैग में भर के चुपचाप लेके आने का, बट पीछे से ना इसके पापा आ गए, मुझे उनको बेबी वापस करना पड़ा। कोडे का सबसे लास्ट वाला परफॉर्मेंस ना हमेशा भांगड़ा ही होता है, क्योंकि इसके बाद सभी लोग मिलके डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए प्रोग्राम तो यहाँ फिनिश हो चुका है, लेकिन खाना वगैरह यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। खिचड़ी बैग में जैसे आया था वैसे ही पड़ा हुआ है, बफे सिस्टम रखा गया था, तो मुझे ना कम मसाले वाला जो भी खाना लगा मैंने एक प्लेट में ले लिया, वही मैं खा रही हूँ। हमने तो बहुत इन्जॉय किया। आई जस्ट होप फ्रेंड्स आज का ब्लॉग आपने भी इन्जॉय किया होगा। वेल आज के ब्लॉग में कुछ इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।